तो हेलो एंड वेलकम. सो वेलकम टू एन अकेडमी रिसर्च प्रोग्राम जहाँ पे फिलिम्स 2021 की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके सामने हैं एंड वो आपको फिल्म्स 2021 के लिए तैयार कर रहे हैं. तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्लाइमेटोलॉजी के. वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करेंगे. पिछले क्लास में अब तक हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट सिर्फ देखा था. बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मेडिटेरेनियन, यूपीएससी का पसंदीदा रीजन है. ना सिर्फ वहाँ का वातावरण माहौल अच्छा है बल्कि यूपीएससी को भी बहुत पसंद है. बहुत सवाल आते हैं ज्योग्राफी जीएस ऑप्शनल सब में. तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी आगे बढ़ेगी एंड बाकी के क्लाइमेटिक रीजंस भी देखेंगे. तो अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग शीतल, कनिका, कार्तिक, आप सबका दिन मंगलमय हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी. तो आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं, बाकी के रीजंस को समझते हैं एंड अच्छे से देखते हैं. गुड इवनिंग बॉबी. तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं. अगर आप देखें तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और साथ साथ आपको मिलता है इनका अनलिमिटेड एक्सेस. यानी एक बार अनअकैडमी डाउनलोड कर लिया आपने या फिर एक बार सब्सक्राइब कर लिया, तो जितनी मर्जी उतनी बार देखिए सब्सक्रिप्शन जब तक आपकी है. दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर ऐप स्टोर जैसे भी आप यूजर हैं उसके अनुसार डाउनलोड करें. डाउनलोड करके ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर मुझे फॉलो करना ना भूलें. अगर फॉलो करेंगे तो मेरे द्वारा बनाया गया जितना भी क्लास है सबके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे. तो कंप्लीट एनवायरमेंट स्टैटिक करंट अफेयर्स कवर्ड है, कंप्लीट कोर्स ओशनोग्राफी की कवर्ड है. डेली 10 PM पे क्विज हो रही है, करंट अफेयर्स के क्विज हो रहे हैं. तो आपको प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट भी मैं कवर करवा रहा हूँ. क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछती है उसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे करवाए जा रहे हैं. तो ये सब हो रहा है तो जरूर ज्वाइन करें और फॉलो करें. तो दोस्तों ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको मैं बता दूं. तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ने वाले हैं उनको बता दूं, मेरा नाम किंजल चौधरी है. मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में इंटरव्यू दिए हैं, इसके सिवा 5 बार मेंस दिया है एंड अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में अक्रॉस इंडिया मेंटर किया है. तो यहाँ पर मेरी अन अकेडमी की टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं. वॉइस इश्यू है सभी के लिए, है बाकियों को भी हो रहा है. आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है. शीतल आवाज क्लियर है या सिर्फ बॉबी के लिए है? वॉइस क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है? एक क्लियर है, क्लियर है बॉबी. रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं. तो अगर आप देखें अन अकेडमी में बहुत सारे फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, ये सारे आपको अवेलेबल. क्लियर आवाज है दोस्त, क्लियर आवाज है बॉबी, एक बार रिफ्रेश कीजिए, है ना, आ जाएगी आवाज. तो दोस्तों अगर आप देखें तो अन अकेडमी में इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं एंड उनके द्वारा बनाया गया है अन अकेडमी में 16,000 से भी ज्यादा कोर्स. तो ये सारे कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में अगर आप अन अकेडमी सब्सक्राइब करते हैं. तो सारे कोर्सेज 16,000 के 16,000 आपके पास आ जाएंगे अगर आप अन अकेडमी सब्सक्राइब करते हैं. तो इसकी एक साल की कॉस्ट है 49,500 रुपीज फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, 2 साल की कॉस्ट है 72,000 रुपीज, 3 साल की कॉस्ट है 90,000 रुपए. पर आप क्या करेंगे, आप केसी 10 कोड यूज करेंगे क्योंकि आपको मिलता है 10% डिस्काउंट. एक साल की कॉस्ट हो जाएगी 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 3 साल की 81,000 रुपए. और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप कोड KC10 यूज करते हैं तो आपको मिलती है मेरी मेंटोरशिप. ये मेरे तरफ से एडिशनल है जो मैं प्रोवाइड करता हूं अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरा कोड यूज करते हैं. तो जो भी आपकी नीड होगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में उसमें हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा आपको मिलेगी. वैसे ही दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन है. आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो इसमें पर्सनल कोच मिलते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलती है, आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लानर आपके अनुसार कस्टमाइज किया जाता है, स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होती है और डेली कंटेंट भी मिलता है करंट अफेयर्स का. तो दोस्तों ये वन स्टॉप सोल्यूशन है क्योंकि इसके बाद आपको इस प्रिपरेशन में और कुछ नहीं चाहिए. तो इसकी कॉस्ट है एक साल की 69,500 रुपीज, 2 साल की 1,07,000 रुपए, 3 साल की 1,41,000 रुपए. और जब आप कोड KC10 यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. एक साल की कॉस्ट हो जाएगी 62,550 रुपए, 2 साल की 96,300 रुपए, 3 साल की 1,26,900 रुपए. दोस्तों जब आप कोड KC10 यूज करेंगे तो आपको मैं बता दूं आइकनिक सब्सक्रिप्शन में भी आपको मेरी एडिशनल मेंटोरशिप मिलेगी. तो आप मेरे स्टूडेंट बने रहेंगे, तो आप बस सब्सक्राइब करें और मुझसे संपर्क करें. आगे की जिम्मेदारी मेरी होगी, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपको जीएस में कुछ भी
ज्ञान चाहिए या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप 6 महीने या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लें तो आप नो कॉस्ट EMI भी ले सकते हैं। 2 मिनट दीजिए, साउंड के इश्यू है तो अभी मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं। आई एम प्रीटी श्योर कहां से वो इश्यू आ रही है। तो अब वो इश्यू नहीं रहेगी, आई एम प्रीटी श्योर अब वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखें आइकनिक सब्सक्रिप्शन में भी आपको मेरी मेंटरशिप मिलती है, इसके सिवा अनअकैडमी के ऑप्शनल के भी पैकेजेस हैं, सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है। तो इसकी कॉस्ट आप कह सकते हैं मार्केट में सबसे रीजनेबल है। 1 साल की कॉस्ट है बस 24,750 रुपए, 2 साल की 36,000 रुपए, 3 साल की 45,000 रुपए। इसमें ऑप्शनल की तैयारी हो रही है, इतना हो ही नहीं सकता और कहीं भी। तो ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है तो अभी लें। तो इसकी कॉस्ट है KC10 कोड यूज करने के बाद, आपको मैंने प्राइसेस बताई है, 10% डिस्काउंट के बाद। तो दोस्तों अनअकैडमी समिट भी जल्दी होगा, आपको इत्तिला कर दिया जाएगा जब भी होने वाला है। तो आप लोगों के लिए 1 फरवरी से बहुत सारे बैच कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं, कंप्लीट 1 ईयर GS बैच है, 2 ईयर GS बैच है, एक्सपर्ट बैचेज है 2021 के लिए, NCERT बैचेज है, वीकेंड बैचेज है। तो ये सारे बैचेज हमने स्टार्ट किए हैं, 1 फरवरी से लॉन्च हो रही है। 1 फरवरी से लॉन्च होने के वजह से, यानी आपके पास अभी टाइम है, अभी अगर आप एनरोल करेंगे तो आप इसको फायदा उठा सकते हैं। एंड ये बैचेस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल भाषाओं में अवेलेबल हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट है February 7, 2021 को, तो अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए क्योंकि एक्साइटिंग प्राइजेज हैं। 3 मंथ्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन भी है एंड 1,000 रुपीज के अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। इसके सिवा दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी में ऑप्शनल एंड GS कॉम्बो दोनों अवेलेबल हैं। तो वो कॉम्बो अगर आप देखें तो GS के 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, आइकनिक एंड GS का प्लस, ऑप्शनल का प्लस ही होता है। इसकी कॉस्ट है 1 साल की 88,705 रुपीज, 2 साल की 1,31,510 रुपीज, 3 साल की 1,67,220 रुपीज जब GS का आइकनिक ऑप्शन पैकेज रहेगा। वही दोस्तों अगर आप देखें, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन देखें, अगर GS की प्लस ले तो 1 साल की 70,103 रुपए है, 2 साल की 99,680, 3 साल की 1,21,200 रुपीज। जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10 कोड जब आप यूज करते हैं तो आपको मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं है, मेरी मेंटरशिप मिलती है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, बेस्ट नोट्स मिलते हैं और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल आज के पैटर्न के अनुसार मिलती है। ठीक है, तो जब भी आए यूज द कोड KC10। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में किसी को कोई डाउट है, मेडिटेरेनियन तक हमने समझा था, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या खासियत है जल्दी से बताइए। एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेन विशेषता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या है वो? एक लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की विशेषता बता दीजिए, यूनिक फीचर, मेन फीचर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की, रेन इन विंटर, बहुत बढ़िया बॉबी, बिल्कुल। तो मेन फीचर क्या है इस क्लाइमेट की? विंटर रेन, याद रखिएगा बस ये। क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर बिल्ड्स नॉर्थ साउथ शिफ्ट करते हैं, तो समर में ट्रेड विंड्स चलते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, ऑफशोर हो जाते हैं। विंटर्स में वेस्टर्ली विंड चलती है जो कि ऑनशोर हो जाती है और वो क्या लेके आती है, बहुत अच्छा खासा बारिश करवाती है। साइट्रस फ्रूट्स के लिए हेल्पफुल है, और क्या बॉबी, और भी कुछ है? साइट्रस फ्रूट से क्या बनता है वहां पे बहुत फेमस, क्या बनाते हैं मेडिटेरेनियन रीजन वाले? अंगूर से, आपको मालूम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट, तो स्टेपी क्लाइमेट में अगर हम देखें तो सबसे पहले जीसी लियोंग का डब्बा, डीसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाइन यार्ड्स हैं बहुत सारे, तो वाइन बनता है। तो आप देखिए यूरोप के फ्रांस का वाइन फेमस है, साउथ अफ्रीका का वाइन फेमस है, फिर आप देखेंगे चिले का वाइन फेमस है, तो ये सारे वाइन यार्ड्स के लिए फेमस। तो कभी जाएं तो ट्राई कर लें। ठीक है, चले नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेपी क्लाइमेट कहां पर बन रहा है भाई स्टेपी क्लाइमेट, तो 30 degree to 45 degree लैटिट्यूड कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। अगर कॉन्टिनेंट के बीचों बीच होगा तो क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होगी? आपके लिए एक बॉटल लेकर आऊंगी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल।
अगर आप देखें स्टेपी क्लाइमेट में कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है, तो क्या यहां पे कॉन्टिनेंटैलिटी होगी? मतलब कि क्लाइमेट क्या होगा? एक्सट्रीम होगा। होगा कि नहीं होगा? समर्स भी बहुत ज्यादा, विंटर्स भी अच्छे खासे हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग समर मतलब इंटेंस समर, इंटेंस विंटर होगा। तो इतना तो बस डब्बा देख के बता सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और इस क्लाइमेट को अच्छे से समझते हैं। स्टेपी क्लाइमेट को ही टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो आप अगर देखें तो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट के बीचों बीच होना जरूरी है। तो अगर आप देखें तो ये क्लाइमेट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काफी एक्सटेंसिव है, और कॉन्टिनेंटैलिटी का असर यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा है। सदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो मैं कहता हूं विंटर्स भी बहुत हार्श नहीं है, समर्स भी बहुत हार्श नहीं है। कोई कारण बताएगा क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? सदर्न हेमिस्फेयर में लो इंटेंसिटी की एक्सट्रीमिटी है, लो इंटेंसिटी है, लो इंटेंस है, लो लो लेवल ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखेगा। कोई बताएगा क्यों? यस, जैसा शीतल कह रही है, लेस कॉन्टिनेंट ओशन के पास है तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो यही कारण है। तो अगर आप देखें तो यहां पे जो वेजिटेशन है मेन, वो होते हैं ग्रासलैंड्स, जूसी ग्रासेस होते हैं। अपने सवाना का ग्रास कैसा था? कोर्स, ऊंचे ऊंचे ड्राई ग्रास। यहां पे जो ग्रास होता है बिल्कुल प्यारे प्यारे मखमली ग्रास आपको दिखेगा, छोटे 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 ग्रासेस दिखेंगे एंड जूसी ग्रासेस दिखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे ग्रासलैंड्स हैं जो कि फेमस हैं। तो यहां पे ग्रासलैंड्स का अलग अलग नाम है। तो सेंट्रल एशिया में क्या बोलते हैं? स्टेपीज, स्टेपीज। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, क्या है? स्टेपीज क्लाइमेट। ईस्टर्न यूरोप में क्या बोलते हैं? पुस्ताज। हंगरी में क्या बोलते हैं? पुस्ताज। चाइना में क्या बोलते हैं? कोरिया के ठीक ऊपर मंचूरियन ग्रासलैंड, मंचूरियन ग्रासलैंड, मंचूरिया प्रोविंस है, मंचूरिया। फिर आप देखो नॉर्थ अमेरिका में आ जाओगे तो क्या कहते हैं? प्रेरीज। ये नाम आपको याद होने चाहिए। साउथ अमेरिका में पैम्पास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ये सारे ग्रासलैंड्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखो तो ग्रासलैंड्स भी काफी एक्सटेंसिव हैं, प्रेरीज नाम से जाने जाते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में क्या कहते हैं? पैम्पास कहते हैं। वहीं अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका में ये ग्रासलैंड्स देखे तो एक तरफ ड्रैकेन्सबर्ग पहाड़ है, दूसरी तरफ कालाहारी डेजर्ट है, उसके बीच में सैंडविच्ड है ड्रैकेन्सबर्ग और आप देखो तो कालाहारी डेजर्ट के बीच में। तो यहां पे वेल्ड्स ग्रासलैंड कहते हैं। तो क्लाइमेट की बात करते हैं जल्दी से। तो अगर आप क्लाइमेट देखें तो कॉन्टिनेंटैलिटी है, तो क्लाइमेट में एक चीज तो होनी ही होनी है, वो क्या है? एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड भी कड़ाकेदार, हड्डी जला जमा दे, कुछ वैसी। तो समर्स भी बहुत गर्म होते हैं, विंटर्स भी वेरी कोल्ड होते हैं। तो स्टेपी क्लाइमेट अगर आप सदर हेमिस्फेयर का देखें तो सिवियर नहीं होती, आपको मालूम है कारण, समुद्र पास में है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हो जाता है। वहीं अगर आप देखें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। प्रणाम कपिल, प्रणाम। तो अगर आप देखें, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आप देखें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब समर्स बहुत हाई, समर में बहुत हाई टेम्परेचर, विंटर में बहुत लो टेम्परेचर, तो ये रेंज काफी हाई दिखेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंटैलिटी है।
तो यहां पे आप देखो तो जो प्रेसिपिटेशन होती है कैसी होगी, यहां पे बारिश होने का क्या कारण होगा, क्या कहीं से ट्रेड विंड वेस्टर्लीज कोई भी बारिश ला सकती है कॉन्टिनेंट के बीचों बीच? नहीं ला सकती। तो एकमात्र तरीका यहां बारिश होने का क्या होगा, हवा को तो ठंडा करना है। हवा कैसे ठंडी होगी, जमीन जब गर्म होगी तो कन्वेक्टिव रेनफॉल ही एकमात्र तरीका है जब बारिश होती है। तो बारिश कब होती होगी, सवाना जैसा समर्स के एंड में, जब इंटेंस समर होने लगते हैं तब आपको बारिश भी दिखती है, और बारिश ज्यादा नहीं होगी क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा नहीं होगा, तो हल्की फुल्की बारिश होती है। तो आप देखो तो 20-25 इंच यानी 60-70 सेंटीमीटर जैसी बारिश आपको दिखेगी, उससे ज्यादा बारिश नहीं दिखती। तो ये बारिश की भी बात हो गई। तो दूसरी बात आप अगर देखें यहां पे काफी इंपॉर्टेंट जो होता है इस क्लाइमेट में, अब अगर आप देखें तो यहां पे ग्रासेस हैं एंड ये ग्रासलैंड्स विंटर में क्या हो जाते होंगे, बर्फ से ढक जाते होंगे, है ना, स्नोफॉल होता होगा तो ग्रासेस खत्म हो जाते होंगे। फिर स्प्रिंग सीजन आता होगा, बर्फ पिघलती होगी और उस टाइम में ग्रास वापस से उगना शुरू हो जाते हैं, मीडोज और ये सारी चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी और उन ग्रासेस में फूल भी लगते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ की जो वेजिटेशन है काफी ग्रेट डिफरेंस है सवाना की कंपैरिजन में। सवाना में आप देखो तो पेड़ होते थे, ज्यादा ऊंचे नहीं पेड़ होते थे, और फिर हाथी जितने ऊंचे ऊंचे, एलिफेंट, ग्रासलैंड, फिर दूर में कहीं पेड़ होता था जिसमें डिस्कवरी देखो तो चीता चढ़ के बैठा रहता है या लेपर्ड चढ़ के बैठा रहता है और ऊंचे ऊंचे घास होते हैं। यहां पे आप अगर देखो तो ट्रीलेस है, ये प्रैक्टिकली ट्रीलेस है, पूरा का पूरा बस और बस ग्रासलैंड्स होता है। सवाना की, सवाना में पेड़ होते हैं, यहां पे पेड़ नहीं होते। दूसरा, यहाँ के जो घास होते हैं वो छोटे छोटे मखमली ग्रास आपको दिखेंगे, शॉर्ट एंड जूसी। तो यहाँ पे रेनफॉल अगर हम देखें तो मॉडरेट जहां पर होगी, जहां पे ज्यादा बारिश होगी 20 इंचेस से ज्यादा वाले रीजन जो होगी, क्योंकि 10-30 इंचेस तक बारिश होती है, तो 20 इंचेस से जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर अगर आप देखो तो ग्रास भी क्या होगा, ज्यादा थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है, फ्रेश होता है, न्यूट्रिशियस होता है, और इसी को हम कहते हैं लॉन्ग प्रेयरी ग्रास। वहीं जहां पे बारिश कम होती है 10 इंचेस के करीब होती है वहां पर शॉर्ट स्टेपी टाइप ऑफ ग्रास दिखेगा, शॉर्ट स्टेपी टाइप ग्रास दिखती है। तो स्टेपी ग्रास अगर हम देखें तो विंटर्स में क्या हो जाती है, प्रोलॉन्ग ड्रॉट पड़ती है और उसमें डॉर्मेंट रहता है, फिर स्प्रिंग सीजन आता है और बर्फ जम पिघलती है तो ग्रीन ग्रीन फ्रेश ग्रास निकलनी शुरू होती है एंड स्मॉल कलरफुल फ्लावर्स भी उसमें दिखते हैं। तो यहां तक सब कुछ समझ आया, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हम देखेंगे इकोनॉमी। तो आपको जान के हैरत होगी, हैरत के आपको मालूम ही होगा, वीट क्या है, एक प्रकार का ग्रास है। बस फर्क क्या है, वीट को हमने कई जनरेशन्स में डोमेस्टिकेट किया है, कई जनरेशन्स में, कल्टीवेट कहते हैं प्लांट्स के लिए, तो कई जनरेशन्स में हमने उसे कल्टीवेट किया है और धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन उस घास में खाने वाला कंटेंट जो वीट खाते हैं वो बढ़ाया है और फालतू का कचरा हटाया है। तो आप मुझे बताइए अगर ये रीजन बेस्ट सूटेबल है ग्रासेस के उगने के लिए तो क्या यहां पे वीट अच्छे उगेंगे या नहीं, वीट उगेंगे ना यहां पे अच्छे वाले उगेंगे? तो ये रीजन परफेक्टली फिट है वीट कल्टीवेशन के लिए। तो आज के टाइम में यहां पे सबसे ज्यादा दुनिया का वीट कल्टीवेशन होता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो एक जमाने में
यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स रहा करते थे, वाइल्ड हॉर्सेस होते थे, बाइसन्स होते थे, अनटेम्ड बफेलोज होते थे जो घास खाते हैं। और आपको मालूम होगा मंगोलिया से ही चंगेज खान क्या किए, पूरे दुनिया पे कब्जा करने निकले। किस पे चले, घोड़े पे ही चले थे। तो वो घोड़ों के लिए एप्ट रीजन है, यहीं पर घोड़े भी नेचुरली पाए जाते थे। ओवर टाइम ये सारे जानवर यहां होते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया, यहां पर वीट कल्टीवेशन होने लगी। और आप अगर देखें तो यहां पे ये जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किए, एंड साथ साथ आप अगर देखें तो नोमैडिक सेमी नोमैडिक पीपल आज भी यहां रहते हैं। तो आज यहां पे मेजरली वीट कल्टीवेशन होती है सबसे ज्यादा। तो एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन होती है, ग्रैनरीज ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो वीट कल्टीवेशन होती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वैसे ही आप साउथ अमेरिका की बात करें तो यहां पे भी ग्रासलैंड्स, भी टफ्टेड ग्रासलैंड्स थे आज के टाइम में। यहां पे पैम्पास में बहुत फेमस ग्रासेस हैं, अल्फा अल्फा ग्रासेस, वो आपको दिखेंगे। इसके सिवा यहां पे जो वीट कल्टीवेशन होती है वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव नहीं होता यहां पे, एग्रीकल्चर कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो क्या मतलब है, याद है हमने मॉनसून पढ़ा था तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर पढ़ा था। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी अमेरिका में कैसा एग्रीकल्चर होता है, बड़ा सा खेत है सैकड़ों एकड़ में बसा हुआ, उसमें 10 किसान मिलके सैकड़ों एकड़ में खेती कर दे रहे हैं। तो उसी में आप देखो खेती भी हो रही है, जानवर भी पाल रहे हैं कुछ इलाके में, मैकेनाइज तरीके से मशीन लगे हुए हैं, उसी से डेरिंग भी हो रही है। तो यहां पे या तो वीट कल्टीवेशन होता है, और उन इलाकों में उसके आउटसाइड पेरिफेरल एरियाज में जहां पे थोड़े बेकार क्वालिटी की जमीन है वहां पर आप देखोगे तो क्या होती है, रैंचिंग होती है। रैंचिंग का क्या मतलब, पशुपालन, जानवरों को मॉडर्न रैंचेस होते हैं, है ना, स्पेशल खेत होते हैं जिसमें गाय भैंस सुअर सब कुछ पाला जाता है, पिग मवेशियां वगैरह पाली जाती हैं। इसके सिवा यहां पे काफी नोमैडिक ट्राइब्स रहा करते थे, कजाक, उज़्बेक्स, किर्गीज, आज के टाइम में पूरा का पूरा मॉडर्निटी की तरफ मूव कर चुके हैं। एंड यही कहानी है स्टेपी क्लाइमेट की। तो यहां पे किसी को कोई डाउट, सर आई डाउट इंपल्स इनफ फॉर यूपीएससी होल प्रिपरेशन, नथिंग मोर देन दैट, इंपल्स इज फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स 2021। तो अभी हम स्टैटिक कवर कर रहे हैं, जल्दी करंट पे भी मूव करेंगे, तो मेरा फिजिकल ज्योग्राफी उम्मीद रहेगी 15 फरवरी तक मैं कवर करवा दूं। 15 फरवरी तक फिजिकल ज्योग्राफी से आप निश्चिंत हो जाएंगे इंपल्स में मेरे तरफ से, इतनी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एंड उसके बाद हम करंट पे मूव करेंगे, तो प्रीलिम्स फोकस है तो ये प्रीलिम्स के लिए ही है, लेकिन ये क्लासेस जो मेरी हैं आपको प्रीलिम्स में इन सब में यही जानकारी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्लाइमेट करते हैं इसके साथ। तो आपको क्या याद रखना है, ये ग्रासलैंड्स के नाम जरूर याद रखने हैं, स्टेट पीएससी में काफी पूछा जाता है, यूपीएससी भी एक टाइम में बहुत पूछती थी, याद रखिएगा। स्टेपीज याद रहेगा, जब हंगरी है तो क्या करेंगे, खाना खाना है पूछता है तो पुस्ताज, मम्मी क्या बोलेगी आपकी, पुस्ता, हंगरी हंगरी क्या, तो मम्मी पूछती है तो पुस्ताज, हंगरी में पुस्ताज। प्रेरीज आपको याद होगा नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का उसी से मिलता जुलता पैम्पास। बाकी सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया में डाउन में है तो डाउन, न्यूजीलैंड का चॉकलेट फेमस है तो कैडबरी से याद रखिए कैंटेबरी, बाकी वेल्ड्स कोशिश कीजिए साउथ अफ्रीका का याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। तो चाइना टाइप क्लाइमेट कहां मिलती है, चलिए जीसी लियोंग का डब्बा, डब्बे में क्या कहता है, 32-45 डिग्री नॉर्थ इन दी ईस्टर्न मार्जिन ऑफ दी कॉन्टिनेंट। जब मेडिटेरेनियन पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी सदर्न हेमिस्फीयर समर सीजन में क्या हो जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री से उठ के कहां चली जाती है, कुछ 45 डिग्री के ऊपर आ जाती है, पढ़ा था तब। तो
तो कौन सी विंड्स चलती है समर सीजन में यहां पे, कौन सी विंड्स चलती है यहां पे? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये समर सीजन में जब नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलेगी तो ये क्या करेगी, ऑनशोर हो जाएगी ना, ऑनशोर हो जाएगी। मतलब समर सीजन कैसा होता होगा यहां पे, इन इलाकों में समर सीजन कैसा हो जाएगा? वेट। तो समर्स में यहां पर बारिश ज्यादा होती होगी। तो ये क्लाइमेट अगर हम देखें तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ट्रॉपिक्स के ठीक ऊपर। तो चाइना का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसी के नाम पे पड़ गया है, चाइना टाइप क्लाइमेट। तो जब अमेरिका की बात करें तो ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज दी गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो इसलिए यहां पे चाइना टाइप क्लाइमेट को क्या कहते हैं, गल्फ टाइप क्लाइमेट, गल्फ टाइप क्लाइमेट। यहां पर क्या कहते हैं, ये नटाल प्रोविंस है यहां पे, तो नटाल टाइप क्लाइमेट, नटाल टाइप क्लाइमेट। तो यही आपको जानना है। तो ये क्लाइमेट अगर आप देखें तो गल्फ टाइप क्लाइमेट भी इसी को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। चाइना टाइप क्लाइमेट जब अमेरिका की बात करें तो उसी चाइना टाइप को क्या कहेंगे, गल्फ टाइप क्लाइमेट। जब साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्या बोलेंगे, नटाल टाइप ऑफ क्लाइमेट। याद है, पढ़ा है, नटाल प्रोविंस। गांधी जी ने कुछ किया था, ट्रांसवाल मार्च किया था नटाल प्रोविंस की तरफ, तो वही नटाल है। तो यहां पर अगर आप देखें तो वार्म टेम्परेट सीजन होता है, विंटर्स होती है लेकिन बहुत कड़ाकेदार नहीं होती, ठीक ठीक होती है, समुद्र के भी पास है तो वार्म टेम्परेट सीजन होता है। साथ साथ आप देखें तो यहाँ पे शुगर केन प्लांटेशन होती है, मेज प्लांटेशन बहुत फेमस है इन रीजन्स में, कॉटन प्लांटेशन बहुत फेमस है इस रीजन में अपने गल्फ कोस्ट में। तो क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है आप अगर देखो तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट का स्टैंडर्ड नाम क्या है, वार्म टेम्परेट, क्योंकि 30 to 45 degree है। टेम्परेट कैसा होगा, ज्यादा नहीं होगा, वार्म टेम्परेट होगा। वार्म टेम्परेट कैसा मार्जिन है कोस्ट का, ईस्टर्न मार्जिन है, तो ईस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। तो मीन टेम्परेचर अगर आप देखो तो 4 से 25 degree के बीच में रहेगा सीजन टू सीजन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समर्स में ज्यादा होती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है तो खूब बारिश कराती है, और बारिश भी अच्छी खासी, यानी कि करीब 110 सेंटीमीटर, 70 से 110 सेंटीमीटर तक आपको दिखेगी इन इलाकों में, ठीक ठाक बारिश दिखती है। और बारिश समर्स में ज्यादा होती है लेकिन विंटर्स में भी होती है, विंटर्स में भी होती है। तो विंटर्स में भी होती है, समर्स में भी होती है, क्यों? क्योंकि ये रीजन में आप देखो तो टेम्परेट साइक्लोन्स भी थोड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपको बारिश दिखेगी बस कल। नहीं नहीं भाई, अभी तो आधा घंटा हुआ है, आज मैं बहुत काम कराना है, 15 तारीख तक मुझे खत्म करना है आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी, तो मैंने प्रॉमिस किया है ये, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बेस्ट आप लोगों को कवरेज मिले एंड कंप्लीट कवर हो, है ना। तो ये मेरा एश्योरेंस है, तो काफी स्टूडेंट्स इस पर निर्भर कर रहे हैं तो उनके लिए इतना तो करना पड़ेगा, बाकी कल नहीं, कल नया करेंगे। चलिए, तो समर में ज्यादा बारिश होती है, बारिश साल भर भी होती है, ऐसा नहीं है किसी सीजन में ज्यादा, बट समर में हाइयर रेनफॉल दिखता है। इसके सिवा यहां पे साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन का बड़ा इंपैक्ट रहता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहां पर बहुत आते हैं और खूब बारिश भी कराते हैं। तो यहां पर साइक्लोन्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है, चाइना में टाइफून, जापान में टाइफून, फिलीपींस में टाइफी, हरिकेन यूएस में कहते हैं, तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी काफी होते हैं इन इलाकों में। तो बारिश ठीक ठाक साल भर होती है लेकिन समर में ज्यादा होती है, ये आपको याद रखना।
वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन अगर आप देखें तो कैसी होती है, तो डेसीडुअस होती है, गर्मी भी होती है अच्छी खासी। तो गर्मी होने की वजह से आप देखो तो पत्ते पेड़ के गिरते हुए दिखेंगे। तो ईस्टर्न मार्जिन्स में डेसीडुअस वेजिटेशन होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यूकलिप्टस ट्री देखने मिलते हैं। इसके सिवा आप देखो तो डेसीडुअस ट्रीज आपको दिखेंगे। गल्फ स्टेट्स ऑफ यूएसए में भी डेसीडुअस फॉरेस्ट होता है। तो कौन से पेड़ दिखेंगे? ओक दिखेगा, मैग्नोलिया दिखेगा, कैम्फर एंड कैमिलिया नहीं याद रहेगा लेकिन जान लीजिए ओक एंड मैग्नोलिया दिखता है। इकोनॉमी याद करो, चाइना क्या खाता है? पैडी, चावल खाता है। तो चाइना में चावल की खेती होगी तो पैडी कल्टीवेशन है ना, धान उगाया जाता है। टी, चाय उगाई जाती है। मलबरी जिससे सिल्क बनता है, तो सिल्क तो कीड़ा बनाता है लेकिन कीड़ा कैसे बनाता है? एक प्रकार का पत्ता खाके। कौन सा पत्ता खाता है? मलबरी पेड़ का पत्ता खाता है, तब जाके आप देखो तो वो सिल्क बना पाता है। तो वो मलबरी के प्लांटेशन दिखते हैं। इसके सिवा आप देखो तो आज के टाइम में यहाँ पे चाइनीज पीजेंट्स, जीसी लियोंग की भाषा है पीजेंट्स क्योंकि वो पुराने टाइम की किताब है, तो चाइनीज फार्मर्स क्या करते हैं? वेट पैडी, दो टाइप का पैडी हो सकता है। एक अपने यहाँ, अपने अगर चावल का धान की खेती देखी है तो धान की खेती में आप देखोगे पानी से डुबा दिया जाता है, तो उस प्रकार की पैडी कल्टीवेशन को वेट पैडी या फिर स्वैम्प राइस कहा जाता है। तो उस प्रकार से यहां भी खेती होती है। इसके सिवा यूएस वाले साइड चले जाओगे, यहां पे जो गल्फ टाइप क्लाइमेट है वहां पर आपको कॉटन कल्टीवेशन दिखेगा, कॉटन के प्लांटेशंस हैं। इसके सिवा शुगर केन के प्लांटेशंस हैं। तो शुगर, कॉटन केन, कॉटन, शुगर केन, इन सब के प्लांटेशंस आपको दिखेंगे। टोबैको, टोबैको भी बहुत ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है, तंबाकू। इसके सिवा आप देखो तो ये कॉटन ग्रोइंग के लिए बेस्ट रीजन माना जाता है, गल्फ टाइप क्लाइमेट। और इसके सिवा जो गल्फ क्लाइमेट का टोबैको भी बहुत फेमस है, तो ये दोनों काफी ज्यादा यहाँ पे उगाई जाती है। चाइना टाइप क्लाइमेट क्लियर। चले अब ब्रिटिश टाइप। तो ये क्लियर है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में अलग से कोर्स लाऊंगा है ना, तो उसको उसके थ्रू कवर कर ले। चलिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट समझते हैं, तो जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट क्लाइमेटिक रीजन है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो अब जब आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो आप खुद से ही खाली ट्रेड, खाली प्लानिटरी विंड्स देख के आधी चीजें क्लाइमेट की समझ सकते हैं। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट 45 टू 65 डिग्री में वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में होती है। तो यहां पे कौन सी हवा चलती होगी भाई 40 टू 60 डिग्री? कौन सी हवा होती है? ये वेस्टर्लीज। हर कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न मार्जिन में 45 टू 65 में वेस्टर्लीज आएगी, जो कि आप देखो तो क्या होगी? ऑनशोर होगी है ना, समुद्र से जमीन पर आ रही है। अगर समुद्र से जमीन पर आएगी तो क्या कराएगी? और ये हवा साल भर चल रही है, तो साल भर जब वेस्टर्नली विंड चलती है तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में साल भर क्या होता होगा? साल भर बारिश होती है, साल भर बारिश होती है, यही इसकी मेन खासियत है। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में साल भर बारिश होती है, कभी भी बारिश यानी हो सकती है। तो इंग्लैंड में आप देखो तो क्या किया जाता है? वो लोग कहीं भी घूमते हैं छाता वगैरह लेके ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्नली विंड चल रही है, क्या करती होगी? कभी भी बारिश करवा सकती है। तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज में रहते हैं साल भर। साल भर यानी साल भर बारिश। तो कहां पे देख लो, वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में,
साउथ अमेरिका में बस न्यूजीलैंड और तस्मानिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया वहीं पर मिलता है, और थोड़ा पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में चिले में आपको देखने मिलता है, बाकी कॉन्टिनेंट ही नहीं है, जमीन है ही नहीं ज्यादा, तो इसलिए सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा नहीं है। तो यहां पे आप देखें सदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न चिले में ऑस्ट्रेलिया का ये आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखें तो ये आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है तस्मानिया। रिकी पॉन्डिंग जहां से आते हैं, क्या उनका निकनेम था, तस्मानियन डेविल, एक जानवर है तस्मानिया का, तो उसी के नाम पे तस्मानियन डेविल। तो तस्मानिया ये रहा, दिस इज न्यूजीलैंड, दिस इज चिले का सदर्न पार्ट। तो इतने ही रीजन में आपको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट दिखेगा, और यूरोप में नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दूसरा, सम पार्ट्स ऑफ यूएस एंड कैनेडा यहां पर आपको दिखता है। तो अगर क्लाइमेट की बात करें तो समुद्र के पास है, साथ साथ कैसी करंट आती है यहां पे, कौन सी करंट, याद कीजिए जब क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी टेम्परेचर, क्या पढ़ा था उसमें, वार्म ओशन करंट। ये क्या नाम है इस करंट का, गल्फ स्ट्रीम। अगर गल्फ स्ट्रीम जा रही है वो क्या करती होगी, इसको गर्म कर देती होगी, तो उतनी ज्यादा ठंड इस लैटिट्यूड में जितनी ठंड होनी चाहिए उतनी ठंड आपको यहां पर नहीं दिखेगी। तो मीन एनुअल टेम्परेचर सब जीरो नहीं होता, 5 से 15 डिग्री मीन एनुअल टेम्परेचर, याद कीजिए मैं महीने भर का टेम्परेचर, साल भर का टेम्परेचर अगर देखें तो उस महीने में कितना हो रहा है, 5 से 15, कभी कभी -4 -5 जाएगा, बट ऑन एन एवरेज सब जीरो टेम्परेचर आपको नहीं दिखता। समर्स भी ऊपर का लैटिट्यूड है, सन की लाइट स्लैंटेड पड़ रही है तो ज्यादा गर्म नहीं होती, मॉडरेट मॉडरेट, ठंडा ठंडा, कूल कूल। क्लाइमेट कैसा है, तो अगेन कुछ ज्योग्राफर्स, एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहती है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। वो क्या कहती है कि जो एनवायरमेंट होता है वो इंसान की अचीवमेंट्स को डिसाइड करता है, यानी एनवायरमेंट डिटरमिन करता है कौन आदमी कितना आगे बढ़ेगा, मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। तो इनका कहना है ना, कुछ ज्योग्राफर्स कहते थे ये जो एनवायरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है, आदमी का दिमाग सबसे अच्छा चलेगा, ऑप्टिमम एफिशिएंसी से काम करेगा, तो इसको क्या कहते हैं, तो इस क्लाइमेट को बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट माना जाता है, और इस वजह से कुछ ज्योग्राफर्स कहते हैं यही कारण है कि यही वो रीजन है जो कल्चरली कल्चरली से ज्यादा इकोनॉमिकली इतना एडवांस हुए, तो दैट इज स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। विंटर्स कैसी है, माइल्ड है, इस लैटिट्यूड में जितनी ठंड होनी चाहिए उसकी तुलना में विंटर्स ज्यादा नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आप देखें तो यहां पे एडिक्वेट रेनफॉल साल भर होती है, विंटर में थोड़ी ज्यादा बारिश होती है समर्स की तुलना में, क्यों, क्योंकि इस लैटिट्यूड में टेम्परेट साइक्लोन्स काफी बन रहे होते हैं। ये टेम्परेट साइक्लोन्स क्या करते हैं, ये भी फ्रंटल रेनफॉल करवाते हैं, तो वेस्टर्ली विंड्स भी बारिश कराती है विंटर में, साथ साथ टेम्परेट साइक्लोन्स जो बन रहे हैं वो फ्रंटल रेनफॉल भी करा रहे हैं। आपको समझ आएगा क्लाइमेटोलॉजी के एंड में हम करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन। सर दैट्स व्हाई दे आर द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड लाइक फिनलैंड स्वीडन, नहीं, ये स्कूल ऑफ थॉट को उठा के फेंक दिया गया है, माना जाता था एक टाइम में इनका भी दबदबा था, ज्योग्राफी को जब हम ऑप्शन में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पैराडाइम्स, तो एक पैराडाइम था जिसका दबदबा हुआ करता था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, लेकिन इसका भी एक अपोजिंग व्यू है, पॉसिबिलिज्म कहते हैं, कुछ बीच का भी है, नियो डिटर्मिनिज्म प्रोबेबिलिज्म, तो पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मत जाइए शीतल, ये बस कुछ ज्योग्राफर्स मानते थे ऐसा, आज के टाइम में उठा के फेंक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में बारिश कब होती है, साल भर होती है, लेकिन विंटर्स में थोड़ी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स का इंपैक्ट होता है, फ्रंटल रेनफॉल होती है। तो वेस्टर्न मार्जिन्स में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में ज्यादा गीला कौन होगा, ये मार्जिन 1 या 2,
वन या टू, जाहिर सी बात है वन, क्योंकि ये क्या है, कोस्ट के पास है, तो ज्यादा बारिश कोस्टल साइड में होगी। जैसे जैसे कोस्ट से अंदर जाने लगोगे बारिश कम होने लगेगी, तो जैसे जैसे अंदर जाओगे बारिश कम होने लगती है। तो यहां पे नेचुरल वेजिटेशन अगर आप देखो तो डेसीडुअस फॉरेस्ट दिखती है, क्योंकि विंटर्स जब आती है तो कुछ बर्फ बनती है और पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ साल भर बारिश होती है, लेकिन स्नोफॉल भी हो जाएगा तो उतनी ज्यादा बारिश नहीं, और पानी की थोड़ी किल्लत हो जाती है। तो यहाँ पे डिसीडुअस फॉरेस्ट दिखेगा, बट बारिश अच्छी होती है, साल भर होती है। इसके सिवा आप देखो तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है, आप सब तो नहीं याद रख सकते, ओक याद रखना, बीच याद रखना, बर्च याद रखना, पॉपुलर याद रखना, आपको ऑलरेडी याद रहेगा, तो ये सब कुछ आपको दिखेंगे। विलोज, इंग्लिश विलो क्या बनता है उससे, इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट। वही इंग्लिश विलो को जब वो लोग ब्रिटिश आए और इंडिया में उसके प्लांटेशंस लगाए, तो उस पेड़ से क्या बनने लग गया, कश्मीर विलो। तो कश्मीर विलो से क्या बनता है, अगेन क्रिकेट बैट बनता है। तो इंग्लिश विलो वगैरह यहाँ पे आपको तो विलो पेड़ दिखेगा जिससे बैट बनती है। एंड ये हार्डवुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डेसीडुअस ट्रीज अगर आप देखो तो उतनी ये डाइवर्स नहीं है, तो प्योर स्ट्रैंड्स दिखेंगे, यानी एक समान के पेड़ आपको एक साथ उगे हुए दिखेंगे। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जैसा नहीं। इसके सिवा समुद्री किनारा होने की वजह से यहाँ पे फिशिंग बहुत ज्यादा होती है, तो फिशिंग काफी अच्छा डेवलप किया है। एंड पानी भी यहाँ पे आप देखो तो रिलेटिवली कोल्ड क्लाइमेट है, तो फिश खराब भी नहीं होती है, तो लंबे टाइम तक इसे स्टोर कर सकते हैं, दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जब रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स नहीं होते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। इसके सिवा यहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, पॉपुलेशन की आबादी देखिए, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं ये सारे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, रहने लायक है, फेवर करता है इंसान का रहना, तो वो सब यहां पर रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, हाईली अर्बनाइज्ड है, बड़े बड़े शहर हैं, तो अर्बनाइज्ड है, तो अर्बन एरिया के आसपास आपने क्या खेती देखी है, तो कैसी खेती होती है शहर के आसपास, आप देखोगे ना शहर के आसपास खेती जो होती है वो रेडी टू, जो तुरंत खाने वाला होता है, वैसी चीज नहीं जो लंबे टाइम तक स्टोर करना है। जैसे फल, जैसे सब्जी, जो रोज खाना है, शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, तो शहर में मार्केट है, डिमांड है, तो ज्यादा दूर से लाओगे तो खराब हो जाएगी, तो आसपास के इलाके में मार्केट गार्डनिंग काफी ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज अर्बन पॉपुलेशन है उसको फीड करना है। तस्मानिया को तो गार्डन स्टेट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो तस्मानिया नाम का आइलैंड है। अगर खेती होती है सीरियल्स की तो क्या उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है। इसके सिवा बार्ली उगाया जाता है, कैटल भी काफी ज्यादा डोमेस्टिकेट किया जाता है। और आप देखें तो यहाँ के कैटल ब्रीड्स दुनिया में फेमस हैं। आप देखोगे ये मार्केट भी पास है और कैटल्स के वजह से हाई क्वालिटी कैटल्स मिलती है, तो यहाँ पे डेयरिंग इंडस्ट्री है, तो मिल्क, चीज, फूड प्रोसेसिंग, मिल्क रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहीं पर है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे कैटल प्रोडक्शन है। बेस्ट ब्रीड्स आप देखोगे तो स्विट्जरलैंड है ना, यहाँ से जर्सी वगैरह ये सारे मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं, तो कैटल्स बहुत फेमस हैं। ब्रिटेन भी फेमस है अपने शीप के लिए, न्यूजीलैंड भी फेमस है शीप रियरिंग के लिए, तो सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में जो कैंटरबरी प्लेन है वहां पे उगाया जाता है। वैसे ही ब्रिटेन में लाइसेस्टर, लिंकन, साउथ डाउन नाम के शीप्स के ब्रीड फेमस। तो ये सब आपको याद रखना है, किसकी कहानी थी, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की। तो आज यहीं पर रोकते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, तो कल करेंगे साइबेरियन, लॉरेंशियन, फिर पोलर क्लाइमेट करेंगे, फिर हीट बजट पढ़ेंगे कल, फिर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंसेप्ट्स, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, कैसे जेट स्ट्रीम चलती है, पूरा कंसेप्चुअल होने वाला है ये सब कुछ। और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी की जान है मॉनसून, उसमें हम जाने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनसून, उसको समझेंगे हम। छुट्टी, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं, याद कर लीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, जीसी ले होंगे, आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं।
तो आज हमने किया मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, कल देखा था, तो आज हमने किया सबसे पहले स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट की क्या खासियत है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर है तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक्सट्रीमिटी हाई होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में लो होती है। बारिश कैसे होती है, थंडर स्टॉर्म्स के रूप में होती है, तो समर्स में ज्यादा बारिश होती है। दूसरा आप देखें तो ये ग्रासलैंड्स के लिए फेमस है, यहाँ के ग्रासलैंड्स क्या नाम है, मंचूरिया ग्रासलैंड, चाइना में। मंचूरिया ग्रासलैंड की अपनी कहानी है, मंचूरिया में कोल भी मिलता है, आयरन ओर भी मिलता है और वीट कल्टीवेशन भी होती है। तो जब चाइना गुलाम था तो टेक्निकली चाइना प्रॉपर इंडिया जैसा गुलाम कभी नहीं बना, चाइना में मल्टीपल पावर्स रूल कर रहे थे एंड पपेट गवर्नमेंट बना के रखते थे। तो जब चाइना उस प्रकार से एक चाइनीज इंपीरियलिज्म के अंदर था तो उस टाइम मंचूरिया के कंट्रोल को लेके रशिया और जापान में जंग हुई, जिसको क्या कहते हैं, रूसो जापानीज वॉर। और वो 1905 स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उस वक्त वो जंग हुई, तो उसमें रशिया क्या थी, एक सुपर पावर हुआ करती थी, लैंड पावर थी, यूरोपियन व्हाइट मैन सुप्रीमेसी का टाइम था। तो जब रूसो जापानीज वॉर होती है तो सबने सोचा था गोरा तो हरा ही देगा, ये एशियन लोग कहां से लड़ सकते हैं, लेकिन जापान ने रशिया को हरा दिया। तो एक दुनिया को सेटबैक लगता है, अपनी स्वदेशी मूवमेंट हो रही थी उसको भी इंपैक्ट होता है, नेशनलिज्म की लहर दौड़ती है कि हम किसी से कम नहीं है, हम देखें तो गोरे को हराया है जापानीज ने, तो एशियन कोई इंफीरियर नहीं है। तो वो मंचूरिया के ही कंट्रोल के लिए था, क्योंकि वहां पे खेती भी है, वहां पे कोल भी है, आयरन ओर भी है। तो यस, मंचूरियन वही वाला है। स्टेपीज हंगरी में पुस्ताज, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पैंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। तो ये सारे कुछ ग्रासलैंड्स के नाम है। यहाँ पे क्या होती है, वीट कल्टीवेशन होती है, वीट कल्टीवेशन है, ये ट्रीलेस होते हैं, जूसी ग्रासेस होते हैं, और यहाँ पे आप देखो मैकेनाइज्ड वीट कल्टीवेशन है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। इसके सिवा जानवर हॉर्सेस, अंगुलेट्स, प्रेरीज, बफेलोज, स्टेपीज में आपको देखने मिलेंगे। तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट में अगर आप देखें तो इसकी खासियत क्या है, ईस्ट कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट वाला रीजन है, तो यहाँ पे वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है और सर्दी भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ की खासियत क्या है, समर्स में ज्यादा बारिश होती है और बाकी टाइम भी बारिश होती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती, समर्स में ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ पे साइक्लोन का भी इन्फ्लुएंस होता है, टाइफून, हरिकेन, साइक्लोन, अलग अलग नाम से ट्रॉपिकल साइक्लोन को जाना जाता है। वेजिटेशन क्या होती है, तो आप देखो तो डेसीडुअस होती है, यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इकोनॉमी क्या है, पैडी कल्टीवेशन होता है, इसके सिवा राइस, टी होता है। सो यूएस की बात करें तो यहाँ पर कॉटन, शुगर, टोबैको कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में इतने हाई लैटिट्यूड पे होने के बावजूद ठंड ज्यादा नहीं होती बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म करेंट्स। तो ये हमने देखा, तो परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली होती है, यानी साल भर बारिश होती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा बारिश विंटर्स में होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन्स का इन्फ्लुएंस होता है, तो फ्रंटल रेनफॉल होती है जब टेम्परेट साइक्लोन आती है, तो विंटर्स एबनॉर्मली माइल्ड होते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ इस लैटिट्यूड में जो ठंड होनी चाहिए उतनी नहीं, बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम या फिर वार्म ओशन करेंट्स। तो डेसीडुअस फॉरेस्ट दिखेगा आपको। एंड यहाँ पे कल्टीवेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो वीट कल्टीवेशन होता है या फिर गार्डन स्टेट है, तो काफी ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। फिशिंग बहुत मेजर एक्टिविटी है क्योंकि समुद्री इलाका है। तो ये सब कहानी है, शीप रियरिंग किया जाता है, कैटल कल्टीवेशन होता है, और यहाँ पर आपको डेयरिंग होते हुए भी दिखेगी। तो डेयरिंग बहुत कॉमन है, तो मिल्क होता है। I found some slides blank in the old PDF in the group. Thank you. Have a nice day. Definitely, definitely, Steve. मैं वापस से टेलीग्राम ग्रुप में एक इसी का PDF डाल रहा हूँ, नया वाला, तो वो थोड़ा पुराने टाइम का PDF था, इस वजह से वैसा है, तो आपको बता देता हूँ। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, एंड आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, कल कहानी आगे बढ़ाएंगे। बाकी जब भी अनअकैडमी आए तो क्या करें, यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग भी मिलेगी, बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे, और गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड 10 बजे आज क्विज होने वाला है, तो सी यू गाइस देयर एज वेल। तो जनवरी वीक 2 का क्विज हो।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।